वेरी गुड मॉर्निंग गाइस फ्रॉम क्रकाओ। और आज का ब्लॉग काफ़ी इंटरेस्टिंग होने वाला है क्योंकि आज मैं अ डे इन लाइफ इन पोलैंड बनाने वाला हूँ, क्योंकि मेरे दिमाग में काफ़ी से टाइम से था कि बनाओ। तो मैंने सोचा कि क्यों नहीं, यहाँ पे वर्क फ्रॉम होम करने आए पोलैंड में, तो यहाँ पे क्यों ना बनाए। और अभी भी जस्ट मैं उठा हूँ, अभी हो रहा है टाइम एग्जैक्टली 8। और सुबह सुबह मैं जर्मनी में रहता तो सुबह सुबह उठ के जिम चले जाता था, पर यहाँ पे ऐसा हो नहीं पा रहा। शाम को जाएंगे मोस्ट प्रॉब्ली, फिंगर्स क्रॉस, क्योंकि यहाँ पे खाना भी वैसे भारी हो पा रहा है तो बना कुछ पा नहीं रहे, क्योंकि सामान वामान है नहीं ज़्यादा। जितना कुछ बना पा रहे उतना कुछ बना पाएंगे हम यहाँ पे, क्योंकि मॉर्निंग चाय तो शायद हमारे तान सिंह ने बना के रख चुके हैं। तो पहले नहा धो के अपना हुलिया ठीक कर लूँ, क्योंकि मेरी मीटिंग है सुबह 10 बजे की और मैं स्प्रिंट होस्ट हूँ अपनी टीम का इस बार, तो मुझे ही होस्ट करनी है। थोड़ा खा पी लेते हैं, नहा धो लेते हैं, उसके बाद मिलते हैं। गुड मॉर्निंग गाइज, फॉर स्टैंड अप लेट जस्ट फर्स्ट बिगिन विद द स्प्रिंट फॉर इटसेल्फ। तो मीटिंग नंबर 1 खत्म। हितांश, तुम्हारी मीटिंग नंबर 1 खत्म? हाँ ब्रो, मीटिंग नंबर 1 खत्म, मीटिंग 4 बजे। तो मेरी मीटिंग अभी पता नहीं नेक्स्ट कब होगी, पर अभी काम चालू है अपना यहाँ पे। मेरे पास एक्स्ट्रा स्क्रीन नहीं है, पर एक ही लैपटॉप में काम करने में, एक लैपटॉप में काम करने में थोड़ा अजीब लगता है। एक्स्ट्रा स्क्रीन में मज़ा आता है यार, तेरे को मज़ा आता है एक्स्ट्रा स्क्रीन में? टीवी को तो एक्स्ट्रा स्क्रीन की तरह यूज़ कर सकते हैं यार, टीवी है भी दूर, ये चक्कर है आपका। कोई नहीं, आज काम बहुत है और करना भी पड़ेगा। स्टैंड अप मीटिंग हो चुकी है, नेक्स्ट मीटिंग मेरी भी होगी थोड़े टाइम बाद शायद, मुझे भी नहीं पता क्योंकि कैलेंडर में कभी भी कुछ ब्लॉक हो जाता है। पर अपना ब्रेकफास्ट भी हो गया, अब सिर्फ लंच के लिए बाहर जाएंगे। मौसम और बाहर का आज काफ़ी ठंडा सा लग रहा है, बारिश हुई थी रात पूरा तो मौसम ठंडे चल रहा है। आज शाम का कुछ प्लान बना लिया तुमने फाइनली या नहीं बनाया? हाँ आज शाम का प्लान बना लिया है, लेकिन वो हम अपने व्यूअर्स को आज शाम को ही बताएंगे। ठीक है चलो, ये हम थोड़ा सा सीक्रेट खेलते हैं, पूरा दिन का ब्लॉग तो आप देखोगे ही। काम कर लेते हैं तब तक, काम में प्रोग्रेस कर लेते हैं, उसके बाद मिलते हैं। हेलो भाई, हितांश सिंगला, तुम्हारा ऑर्डर। ओ भाई, एक तो घर 6th फ्लोर में है, चढ़ते चढ़ते हालत खराब हो जाती है भाई। अभी हो रहा है टाइम 12:30, लंच करेंगे। और लंच में हितांश सिंगला क्या मंगवाया? हमने मंगाए हैं पनीर रोल और चिकन रोल। रोल्स खाएंगे भाई आराम से, काम हो नहीं रहा भाई, काफ़ी मुश्किल है। खाना खाने के बाद शायद दिमाग चला भाई। ये लिफ्रेंडो है, बस वो पॉलिश नाम है लिफ्रेंडो, मतलब जस्ट ही हर किसी के अलग अलग नाम होता है पर सेम। तो ये हमारे पकौड़े, ये रोल और 2 कैंडीज भी हैं उसमें। लगता है डिस्क वो दे होंगे ना ऑफर के लिए, ऑफर के हिसाब से दिए होंगे इन्होंने। चलो भाई कुछ टीवी में चलाओ, टीवी में देखते हैं आराम से। चला दिया तो हम खाना खा लेते हैं और फिर बाद में एक और बार मीटिंग होगी, एक और बार काम होगा, यही चलता है भाई ऑफिस टाइम में। तुम्हारा कुछ इंटरेस्टिंग चल रहा है? नहीं चलता भाई, नहीं चलता, कर लेंगे तो ये सब। दोस्तों ऑफिस का काम हो चुका है बंद और शाम के हो चुके एग्जैक्टली 6, और हितांश सिंगला तैयार होके एकदम बोल रहे हैं चलो यहाँ से, क्योंकि बाहर जाने का वक्त है, क्योंकि घर पर रह रहे हो चुके हैं बोर। और शाम होने को हो चुकी है और रात अभी भी जवान है, तो तैयार होते हैं और मचाते हैं। दोस्तों निकल चुके हैं बाहर और यहाँ से हमें पहला डेस्टिनेशन कहाँ ले जाके जा रहे हो? पहले हम ट्राम स्टेशन से ट्राम लेंगे। हाँ ऑफकोर्स, और ट्राम लेके हम जाएंगे अरेना, क्राकाओ का एक बहुत बड़ा स्टेडियम, और वहाँ पे अरेना में लगी है एक फूड मार्केट। तो आज हमारे डिनर उस फूड मार्केट में फूड ट्रक से होगा। तो फिर अभी हो रहा है टाइम एग्जैक्टली 6:30 और 6:30 बजे हमारा डिनर होगा। ठीक है चलो, अब एक्सप्लोर करेंगे वहाँ पे, थोड़ा थोड़ा खाएंगे, ज़्यादा भूख लगेगी तो ज़्यादा ही खा लेंगे। लेफ्ट चलो। बस नंबर बताओ। 52 52 गज का दामन। दोस्तों पहुंच गए हैं हम एरिना के सामने, पर हितांश सिंगला
फूड ट्रक के नाम पे पीछे इकलौता फूड ट्रक है यहाँ पे, और कोई फूड ट्रक है ही नहीं। उसके पीछे का रीज़न मुझे भी नहीं पता, उसे भी नहीं पता, वो सामने ये है असली अरेना जिसकी बातें कर रहे थे तानसिंगला टावर ऑन अरेना क्रकाओ। थोड़ा सा कट गया, मैंने तुझे एक लिंक भेजी है। मेरे को लिंक भेजी है, छोड़ मैं खुद ही दिखा देता हूँ। हाँ क्या लिखा है इसमें, छोड़ बाद में बताता हूँ। ठीक है भाई बता दो। तो देखते भाई समझते क्या करते हैं। यही होता है कि अगर आप दूसरे देश आते हो कभी वो छोटा छोटा कट जाता है, पर काफ़ी दिन है हम यहाँ पे, कोई टेंशन नहीं। अरे ना काफ़ी खूबसूरत है। पर दोस्तों खाने तलाश में आ चुके हम ओल्ड जूश क्वार्टर क्रकाओ का, और यहाँ पे हर जगह छोटे छोटे से दुकानें बनी हुई हैं, स्टॉल्स बने हुए हैं खाने के लिए, पर ये पूरा जो क्वार्टर है काफ़ी हिस्टोरिक है ना। हाँ हाँ इतना जंगला ज़्यादा बोलते नहीं जब भूख लगती है उसे, तो मोस्ट प्रॉब्ली अभी देखेंगे क्या खा सकते हैं, पर सोचते हैं यार यहाँ पे कुछ खाने को मिला तो उसके बाद हम जाने का प्लान बन चुका है हमारा। आज हम जाएंगे कसिनो, फाइन ले ना, पहले खा लेते कहीं, पहले वहाँ पर जाके कट जाए। तब से आए ये ऑफ सीजन चल रहा है तो कुछ भी हो रहा है यहाँ पे, ढूंढते कुछ खाने के लिए, दिखाते फिर क्या ले रहे हैं हम खाने के लिए। अच्छा खाना लेके आ रहे हैं हमारे इतान सिंगला, ये चिकन ये आया एक, ये आया दो। इतांश करें अनबॉक्सिंग पहले अनबॉक्सिंग करो और बताओ इसके प्राइस कितना और जर्मनी से कितना। चलिए शुरू करते हैं। ये देखिए ये हमारी 400 रुपए का एक बॉक्स है, 350 के 400 भी नहीं है भाई, बेसिकली इट्स 300 ओनली। 300 रुपए का हमारा ये बॉक्स है और 300 रुपए का ही दीपांकन का बॉक्स है, और दीपांकन के बॉक्स में इतना सारा चिकन है। मेरे बॉक्स में पकौड़े हैं, ये फलाफल खा रहा है। तो बेसिकली ये जो सेम चीज़ है ना, अगर आप जर्मनी जाओगे तो आपको 800 रुपए का एक बॉक्स मिलेगा, वो मिनिमम है, मिनिमम 800 बता रहे हैं, मिनिमम 800, पर उससे ज़्यादा ही होता है। पर यहाँ पे दो बॉक्स मिल गए जो कम से कम उसमें भी मैंने 200 रुपए बचा लिए हैं लगभग लगभग। तो खाते हैं उसके बाद बताते हैं, मस्त एकदम। विदाल शिंगला खाने के बाद कुछ मीठा हो जाए, खाने के बाद मीठे में हमने लिया है एक टर्किश फूड, इसे बकलावा कहते हैं और ये काफ़ी टेस्टी होता है। मुझे रिमाइंड करता है थोड़ा ज़्यादा ये जलेबी से रिमाइंड करता है टेस्ट से, मुझे किसी इंडियन स्वीट से रिमाइंड नहीं करता, लेकिन टेस्ट अच्छा है, टेस्ट अच्छा। खाते भाई खाते, अरे 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 चलो खाते खाते हैं, और फिर यहाँ से निकल के हम चलते हैं कसिनो की तरफ। चलते फिरते हमारी खोज में कसिनो के हम पहुँच चुके हैं यहाँ के वन ऑफ दी मोस्ट आइकॉनिक रिवर्स के पास। वैसे इनकी जो सिटी के बीच में एक रिवर्स चलती है उसका नाम है विस्ताला, है ना, विस्तुला। इसके बारे में क्या बताएं, ये जो ब्रिज है इसमें बहुत काफ़ी ज़्यादा बैड स्टोरीज है लोगों की, खासकर जू लोगों की। और जो ये जो नॉर्थ बैंक है जो पीछे वाला है वहाँ पे सारे अपर क्लास लोग रहते हैं, और जो साउथ बैंक है यहाँ पे सब लोअर क्लास लोग रहते थे, क्योंकि जब वर्ल्ड वॉर टू हो रहा था तब क्या हुआ कि वैसे भी जर्मनी में जूस को लेके काफ़ी ज़्यादा हेटेड थी, तो फिर वो अपर क्लास वाला जो इलाका था नॉर्थ वाले से उन सभी को उन्होंने साउथ में ट्रांसफ़र कर दिया था। तो ये वाला ब्रिज और जो सामने दिख रहा है वाला ब्रिज इसमें से ही निकले थे, और सामने साउथ में जाके अपना ब्रैंड बसेरा बनाया था उन्होंने। हम भी वहाँ पर ही जा रहे हैं क्योंकि वहाँ पर ही सब कुछ है, कसिनो वगैरह। और हितान शिंगला यहाँ पर बढ़िया फोटोग्राफी करते हुए व्लॉग्स में आएंगे तुम्हारे, ये ब्रो तो मेरे वीडियोस ख़राब कर मेरा काम है ये, और इसकी वीडियोस में सारी अपनी वीडियो में डाल दूंगा कट अटैक कर दूंगा, कोई टेंशन नहीं भाई, ऐसी बात कर रहे हो चलो भाई। दोस्तों हमारी खोज हो चुकी है ख़त्म, हमें मिल चुका है कसिनो, और कसिनो है यहाँ पे एक्रोबैटिक सेंटर। तो पता नहीं यहाँ पे लाइटें वाइटें भी लगी ना कुछ लग रहा है, क्योंकि मैं काफ़ी जगह गया हूँ, ब्रातिस्लावा में गया हूँ, इवन इंडिया में गोवा में भी गए हैं, पर ये इतना सैड कसिनो मैंने कहीं नहीं देखा। इवन तो ये जर्मनी ऑस्ट्रिया वहाँ पे हर जगह जाके देखे हैं इसने। कसिनो ओपन तो है, कसिनो ओपन है, पर अंदर जाके देखते हैं, अगर मिलेंगे तो बाहर 5 मिनट वापस आ जाएंगे, नहीं तो थोड़े टाइम बाद वापस आएंगे। चलो अंदर चलो फिर। दोस्तों आ गए घर वापस कसिनो से, और कसिनो में हमेशा क्या होता है कि आप जीतते हो एक टाइम में, उसके बाद आप सारे पैसे हार जाते हो, तो यही हुआ, पैसे बहुत ज़्यादा हो गए थे। हमने सोचा ऐसे ही मस्ती करने आया है, ऐसे अजीब तरीके से खेल के हमने पैसे उड़ा दिए अपने, टोटली बस 10 यूरो का खेला, 10 यूरो के एकदम अचानक से 20 यूरो कर लिए थे, पर 20 यूरो करने के बाद समझ आया कि यार रहने दो, उड़ा देते पैसे भी, पॉलिश लॉटरी में पैसे मिलते और पॉलिश लॉटरी का हम करते क्या।
यूज तो और कर नहीं सकते थे। तो फिर अभी हम आ चुके घर और हितांश सिंगला यहाँ पे कोई मूवी दिखाएंगे हमें। कौन सी मूवी दिखाओगे? हम दिखाएंगे शिंडलर्स लिस्ट, जिसका काफी बड़ा पार्ट क्रकाओ में शूट हुआ है। और फिर हम देखने जाएंगे ऑस्कर शिंडलर की फैक्ट्री रियलिटी में, और हम वो ब्रिज भी देखेंगे कल जहाँ पे जियोस जाते थे उसकी फैक्ट्री में काम करने के लिए। तो आज जो हमने ब्रिज देखी वो नहीं थी, उसमें वो तो ब्रिज है, लेकिन कल हम डे लाइट में आपको दिखाएंगे ना। अच्छा, दोनों टाइम में अलग अलग नजर आते हैं क्या? और ये रहा मेरा पूरा दिन वर्क फ्रॉम पोलैंड का। काफी लोग ऐसे भी पूछ रहे थे मुझे वर्क फ्रॉम कभी क्या बनाते हो, पूरे दिन का वो बनाओ। एक और बार बनाऊंगा मैं जब जर्मनी पहुंच जाऊंगा, वो होगा असली मेरा वर्क फ्रॉम होम क्या होता है, वर्क फ्रॉम इन माई लाइफ। ये तो वर्क फ्रॉम पोलैंड बना दिया कि अगर आप कहीं दूसरी जगह वर्केशन करने आते हो क्या करते हो। तो ठीक है, अगर इस व्लॉग में अगर आपको कुछ भी पसंद आया तो जरूर लाइक कर देना, शेयर कर देना और सब्सक्राइब करे बिना ना जाना। हितांश सिंगला को भी सब्सक्राइब कर देना, मैं इसको टैग करता हूँ। तो आपको मिलता है ऐसे किसी वीडियो से व्लॉग में नेक्स्ट टाइम। अंटिल देन टेक केयर, बाय बाय, गुड नाइट एंड सी यू। कैमरा लेके खड़ा हो गया, बता ब्लॉग्स में आएंगे तेरे? हाँ भाई, ये ब्लॉग में आएगा। आएगा।